खबर सिंगरौली से है, जहां तेंदुपत्ता मजदूरों ने एक बार फिर से सिंगरौली जिले को प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ता संग्रहित करने के क्षेत्र में नंबर वन बनाया है। अभी तक 65 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता की मजदूरी ग्रामीणों को दी जा चुकी है, वहीं ये आंकड़ा 100 करोड़ तक होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रेट बढ़ाने के बाद से ग्रामीणों में तेंदुपत्ता के लिए अब उत्साह देखने को मिला है। करोड़ों रुपयों के बोनस भी इस समय अलग से बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सिंगरौली जिले ने नंबर वन होने का रिकॉर्ड बना लिया। तेंदुपत्ता तुड़ाई में जिले के ग्रामीणों का इस साल भी उत्साह काफी बढ़ा है। जब खेती किसानी पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो ग्रामीण और खेतीहर मजदूरों के पास अप्रैल मई में कोई काम नहीं रहता, और इस समय तेंदुपत्ता की तुड़ाई लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित होता है। गरीब ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए तेंदुपत्ता मजदूरों के हितों में 3,000 रुपए मानक बोरे की मजदूरी, जिससे ग्रामीण इलाकों के लगभग 1 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक जुड़े, और सिर्फ सिंगरौली जिले में अभी तक 55 करोड़ रुपयों की मजदूरी फॉरेस्ट विभाग ने भुगतान की है, जबकि अभी भी बाकी मजदूरों की भुगतान की प्रक्रिया जारी है। तेंदुपत्ता श्रमिकों को बोनस मिलाकर इस साल तकरीबन 100 करोड़ रुपयों से भी अधिक के भुगतान की संभावना। श्रीमान जी राम जी, काका श्री राम जी।